हेलो दोस्तों नमस्कार क्रिप्टो कोश चैनल में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डोच कॉइन के बारे में क्योंकि आप में से कई सारे लोग मेरे को डोच कॉइन के बारे में पूछते हैं कि डोच कॉइन में एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और एक हमें कंप्लीट वीडियो बनाओ कि आने वाले टाइम में डोच कॉइन क्या प्लानिंग कर रही है बड़ी प्लानिंग क्योंकि इलोन मस्क ने अभी रिसेंटली यहाँ पे टेस्ला में पेमेंट लेनी स्टार्ट कर दी है तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या एक अच्छा पेमेंट ऑप्शन हो सकता है डोजकॉइन आने वाले टाइम के अंदर क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट करने की और रोड मैप क्या है इसका सब चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं प्लस थोड़ी इस हिस्ट्री भी देखेंगे कि कहाँ से डोजकॉइन स्टार्ट हुआ था कहाँ तक ये जा सकता है और कितना हमें प्रॉफिट ये दे सकता है ठीक है अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहें कैसे हम इसमें सिस्टमैटिक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए तो ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं तो इसके मार्केट के बारे में एनालिसिस करेंगे आपको कंप्लीट यहाँ पे लर्निंग मिलने वाली है कैसे कैसे हम एनालिसिस करेंगे और क्या एंट्री रह सकती है अंदर प्लस यहाँ पे हम एस आई पी करके देखेंगे इसके अंदर एस आई पी अगर हम करते हैं तो कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनेगी और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं हम कि रोड मैप क्या है इसका आने वाले टाइम के अंदर गीगा वॉलेट करके एक नई अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है इसके बारे में भी देखेंगे और कितनी बड़ी अपडेट हो सकती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑल कर दो जिससे हम जो भी वीडियो निकालते हैं आपको टाइम से मिलती रहे अब स्टार्ट करते हैं डोज कॉइन के बारे में और डोज कॉइन की सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं डोज कॉइन जब स्टार्ट हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था तो ये डोज कॉइन तो था एक

टीज ने गेन गेन की थी विद इन कुछ टाइम के अंदर रेडिट पे सबसे ज़्यादा इसका नाम आ रहा है रेडिट पे काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी विद इन टू वीक्स के अंदर इसका मार्केट कैप एट मिलियन डॉलर्स तक यहाँ पे पहुँच गया था तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे हिट हुई थी तो दो साल बाद जब ये लॉन्च हुई थी उसके सिर्फ दो साल बाद दो में इसके जो डेवलपर थे जिसने इसको डेवलप की थी आप देख सकते हो उनने सारी अपनी डोज कॉइन को सेल कर दिया था हॉन्डा सिविक ख़रीदने के लिए तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा कम्यूनिटी में अभी कि अगर वो होल्ड करके रखते ये अपनी क्रिप्टो करेंसी तो कितने ज़्यादा बिलियन डॉलर्स उनके पास होते अभी तो दोस्तों अगर आप प्राइस देखोगे रिसेंट ईयर्स में जो गेन हुआ है डोज कॉइन का तो आप हिल जाओगे कितना यहाँ पे इसने इंक्रीमेंट किया अगर आप नवंबर से देखते हो तो नवंबर से ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ था जब ईलॉन मस्क ने यहाँ पे ट्वीट करने स्टार्ट किए थे आप देख सकते हो तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड परसेंट यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया है तो ऐसा कोई एसेट मेरे को बताओ जिसमें इतना ज़्यादा पंप देखा हमने क्रिप्टो करेंसी में तो विद इन दो से लेकर दो तक मतलब दो के स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा यहाँ पर पंप आया डोज कॉइन के अंदर और सब हुआ सिर्फ ईलॉन वास की वजह से और एक नया ट्रेंड

अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ यहाँ पे अच्छे अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो अगर आप देखते हो डोज कॉइन का प्राइस तो अभी 0.19 पॉइंट वन नाइन यहाँ पे डॉलर यहाँ पर चल रहा है अभी थोड़ा यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ है इससे थोड़ा यहाँ पे नीचे चल रहा है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हमें ये देखनी पड़ेगी कि, कि कितने यहाँ पे सप्लाई है और कितनी यहाँ पे डिमांड है डोज कॉइन एक तरीके से ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जहाँ पे जो मैक्स सप्लाई है इसकी आप देख सकते हो वो अनलिमिटेड है ठीक है अनलिमिटेड का मतलब यह है कि कितने भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे जनरेट हो सकती है यहाँ पे इथेरियम का भी नाम आता है अनलिमिटेड सप्लाई के अंदर क्रिप्टो करेंसी जिसमें अनलिमिटेड सप्लाई है

तो हमने यही देखा है कि यहां पे जितनी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक वॉलेट के अंदर रहेगी या वेल्स के अंदर होल्ड करके रखेंगे वो लोग तो वहां पे कंसर्न फैक्ट यहां पे हो जाता है आप देख सकते हो ये वाला जो एड्रेस है काफी ज्यादा अमाउंट की यहां पे डोज कॉइन यहां पे होल्ड किया हुआ है तो यहां पे कंसर्न फैक्ट यही है कि अगर ये मार्केट में लाते हैं ट्वेंटी अगर बेचता है ये वेल तो काफी ज्यादा डंप भी हम देख सकते हैं लेकिन हमने रिसेंटली एक दो साल से देखा है कि यहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन इस वॉलेट में नहीं हुई है नेक्स्ट यहाँ पे एनालिसिस अगर आप इसको कर लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ज्यादा परसेंट लोग यहाँ पे प्रॉफिट में या फिर लॉस में है और कितने ज्यादा कॉन्सर्ट यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम्स में होल्ड हो रखा है तो आप देख सकते हो तो पे तो ये वाली जो बाय लार्ज होल्डर है है जितनी ज्यादा ज्यादा कम होती उतनी अच्छी क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है तो यही सबसे ज्यादा डेंजर मेरे को यहाँ पे लगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है लार्ज होल्डर्स के पास सबसे ज्यादा हो रखी है होल्डर्सेंट जो है लार्ज होल्डर्स के पास है सिर्फ यही यहाँ पे मेरे को डाउनफॉल इसका लगा और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो होल्डर्स तो फिफ्टी ऑलमोस्ट एक से बारह महीने पर यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं फोर्टी वन एक साल से ज्यादा यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छे प्रॉफिट मिले क्योंकि एक साल पहले अगर आप देखते हो तो तो साल पहले जो प्राइस था काफी यहाँ पे डिप में था और उसके बाद यहां पे मे में जाके इंक्रीज हुआ था Now, next, बात कर लेते हैं डोज कॉइन के बारे में और डोज की कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ कुछ जो एडोप्शन हो रही है तो सबसे पहला नाम आ रहा है टेस्ला का, जहां पे आप देखते हो, तो उसके मर्ज आप खरीद सकते हो डोज कॉइन के अंदर तो आप अगर आप वेबसाइट पर जाके देखते हो टेस्ला की तो डोज कॉइन के उससे बारह हजार डोज कॉइनस वगैरह थोड़ी बहुत ले सकते हो यहाँ पे सीटी बेच रहे हैं एक तरीके से तीन सौ डोज की तो डोज कॉइन की जो कम्युनिटी है धीरे धीरे बढ़ती चली यारी, अगर हम बात करते हैं इसके प्लान्स प्लान्स के 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 बारे में, 2022 के के बारे में में 2022 तो इनने कई सारे यहां पे चीजें हाँ पे रिवील की थी अपने वेबसाइट के अंदर जहां पे मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं जो बिगेस्ट चीज यहां पर शेयर की थी तो गीगा वॉलेट करके एक चीज यहां पर यह लॉन्च कर रहे हैं इसके डेवलपर्स जहां पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई भी जो पेमेंट लेना चाहता है वो डोज कॉइन के अंदर पेमेंट ले सकता है ओपन सोर्स आप ये बना रहे हैं तो डेवलपर्स और मर्चेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बिग न्यूज़ है कि वो डोज कॉइन इन यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं इनकी ए को यूज़ करते हुए तो अगर आप मर्चेंट हो अगर आप डोज कॉइन इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो इस चीज़ को नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में तो गिठअप पर अगर मैं जाके देखता हूँ तो आप देख सकते हो दो हज़ार अठारह तक इसकी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही थी और यहाँ पर दो के बाद इसकी डेवलपमेंट काफ़ी कम हो चुकी है आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी नहीं हुई लेकिन रिसेंटली अभी हमने देखा दो में इसकी डेवलपमेंट फिर से स्टार्ट हो गई आप देख सकते हो ग्रीन ग्राफ डेवलपमेंट दिखा रहे जितनी ज्यादा कॉइन की डेवलपमेंट होती है उतना ज़्यादा कॉइन का माना जाता है कि डेवलपमेंट के हिसाब से भी कॉइन आगे बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं डेवलपर्स या फिर कुछ कुछ नई चीजें लेके आने वाले हैं डेवलपमेंट ही आगे को बढ़ाती है ठीक है तो आप देख सकते हो रिसेंटली इक्कीस और दो की स्टार्टिंग में थोड़ी डेवलपमेंट यहां पर स्टार्ट हुई है तो क्या डोज कॉइन आने वाले टाइम में कुछ नया फीचर्स अगर ला सकता है इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाता है नेक्स्ट अगर आप बात करते हो तो इलोन इलोनमस ने कॉन्टीन्यूसली कई सारे अपडेट्स भी यहां पर डाले थे कि जो जो स्पेस एक्स इनकी कंपनी है जो सैटेलाइट्स

बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसमें इन्वेस्ट करने की देखो बेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है मेरी बेस्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं अगर आपके पास थाउजेंड तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप टेन टू फिफ्टीन अपना जो पोर्टफोलियो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो टेन टू फिफ्टीन अपना रिस्क पोर्टफोलियो अपने डाल सकते हो रिस्क में अपना डाल सकते हो क्योंकि डोज कॉइन एक तरीके से मीम कॉइन है इसको हमको अपने रिस्क पोर्टफोलियो में इसको अटैक करना पड़ेगा तो अगर आप थाउजेंड डॉलर यहाँ पे लगा रहे हो तो हंड्रेड टू वन फिफ्टी आप इसमें बाय कर सकते हो लेकिन जो मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है वो है एस आई पी स्ट्रेटेजी तो यहां पे मंथली अगर आप एस आई पी करना चाहते हो अगर आप हंड्रेड डॉलर से यहां पर मंथली एस आई पी करना चाह रहे हो क्रिप्टो के अंदर तो जो रिस्क पोर्टफोलियो रहेगा आपका टेन टू फिफ्टीन परसेंट का तो आप इसमें टेन टू फिफ्टीन डॉलर यहाँ पे लगा सकते हो डोज कॉइन के अंदर एज अ मीम कॉइन तो यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर यहां पे आ चुका हूं डोज कॉइन के अंदर और यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप सिर्फ टेन डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे ट्वेल्व मंथ्स के अंदर अगर आपने किया होता तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका एक सौ बीस डॉलर का होता है रिटर्न आपके वन सिक्सटी टू डॉलर के यहाँ पे रहते और यहां पे आप देख सकते हो कि गेन फाइव परसेंट रहता तो एक तरीके से एस में अगर में आप इसको बाय करना चाहते हो एवरी मंथ पे बाय करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से एक तरीके से सबसे बेस्ट यहां पे स्ट्रेटेजी रहेगी अगर बात करते हैं प्राइस प्रोडिक्शन के बारे में डोज कॉइन की तो अगर आप देखते हो तो कॉन्टिन्यूसली ट्वीट किया था और टेस्ला ने जैसे एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर दी है डोज कॉइन वैसे वैसे धीरे धीरे और भी मर्चेंट्स पे आगे आएंगे कम्युनिटी और भी ग्रो होगी और मेरे को एक लग रहा है कि अभी आप देख सकते हो सपोर्ट पे डोज कॉइन अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है आने वाले टाइम में हम देख सकते थोड़ी बहुत मूवमेंट भी देख सकते हैं हमने देखा था डोज कॉइन का ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट सेवन डॉलर तक यहाँ पे जाते हुए देखा था मेरे कोई पसन ही लगता है कि जो सपोर्ट है यहाँ से थोड़ा बाउंस लेना चाहिए और आने वाले टाइम के अंदर ट्वेंटी एक अच्छा यहाँ पे होना चाहिए डोज कॉइन के अंदर मेरा जो टारगेट है जीरो पॉइंट फाइव डॉलर का एटलीस्ट है डोज कॉइन का ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अंदर अगर आप इसको एस आई पी में बाय कर रहे हो तो आपके लिए काफी बेनिफिट रहेगा मतलब थोड़ा पे डिप भी जाता है तो आप इसको एसआईपी में पिक कर सकते हो और ये अगर सपोर्ट से बाउंस ऊपर करता है तो यहां पे अच्छा खासा हमें रिटर्न हो सकता है ठीक है तो अच्छा खासा मैं देख रहा हूं टाइम के अंदर तरीके से ये मीम कॉइन है लेकिन अगर हम रिस्क पोर्टफोलियो अपना सही से मैनेज करते हैं तो अच्छा खासा हमारा रिटर्न हो सकता है तो अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करना है सही से तो आप हमारा पोर्टफोलियो टूल यूज कर सकते हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल यूज कर सकते हो जो एलईड क्रिप्टो टूल पे है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी बिल्कुल फ्री टूल है और यहां पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पे सेक्शंस अपने बना सकते हो जैसे मैंने बना रखे हैं और मीम कॉइन का पे सेक्शन बना सकते हो जैसे मैं आप देख सकते हो मैंने मीम कॉइन का सेक्शन बना रखा है तो यहाँ पे अपने सारे कॉइन्स अपने लगा सकते हो लिस्ट कर सकते हो और अपना पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हो तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन आप मेंटेन करके रख सकते हो अपने पोर्टफोलियो का तो आप जरूर इसको यूज करना बिल्कुल फ्री है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कैसी आपको ये वीडियो लगी और कितना आप इसमें होल्ड कर रहे हो डोज कॉइन के अंदर मेरे को कमेंट जरूर बताना और क्या लगता है आपको ट्वेंटी में डोज कॉइन का क्या फ्यूचर रह सकता है ये भी मेरे को कमेंट जरूर बताना मैं मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम टिल देन गुड बाय